नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट एंड जॉइंट रिलेटेड सर्जरीज का सर्जन हूँ। सो आज का जो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनमें कि बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के अराउंड अगर फ्रैक्चर्स होते हैं बहुत समय बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें कि सर्जरी करनी है और जल्दी करनी है, और उस समय बहुत सारे डाउट्स पेशेंट्स के दिमागों में आते हैं। जब डाउट आते हैं तो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारा कंफ्यूजिंग डेटा और कंफ्यूजिंग चीज़ें जो है इंटरनेट पर लिखी हुई हैं, जिसके कारण लोग बहुत समय गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग हिप फ्रैक्चर्स हुए हैं या हिप फ्रैक्चर किसी पेशेंट को जानते हैं और उनको इसके बारे में जानना है, ताकि उनके डिसीजन मेकिंग में कोई गलती ना आए। तो हिप फ्रैक्चर क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए दोस्तों, हिप का जो फ्रैक्चर है, चाहे वो इंट्रा आर्टिकुलर मतलब कि जॉइंट के कैप्सूल के अंदर फ्रैक्चर हो या जॉइंट के कैप्सूल के बाहर हो, उसे हिप फ्रैक्चर या अराउंड द हिप फ्रैक्चर्स बोला जाता है। यंग पेशेंट्स में जैसा सब जानते हैं, हिप फ्रैक्चर्स को फिक्सेशन मतलब कि उसको जोड़ने के लिए इमीडिएटली सर्जरी करने की ज़रूरत है। बट हम यंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्डरली पेशेंट्स, मतलब कि जिनकी एज 50, 60, 70, 80, 90 या 95 हो गई है, उन केसेस में क्या करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम जाने कि हिप फ्रैक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हमें पॉसिबल है। देखिए, जब एज बढ़ जाती है, 50, 60 या 65 के ऊपर की एज होती है, या सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियाँ बहुत नरम होती है, उन केसेस में फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू यंग पेशेंट्स जिनकी एज 60 या 50 से कम है। सो मेरे जो ये वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जिनका एज जो है 60-65 के अबव है, अब हिप फ्रैक्चर हो गया है। कभी कभी 80-90 के पेशेंट्स हिप फ्रैक्चर होते हैं और लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो इनकी बहुत एज हो गई है, क्या इनके लिए सर्जरी सूटेबल है भी कि नहीं। तो मैंने ये टाइम क्या है, हम डिसीजन लेते हैं कि सर्जरी ना करें। देखिए, मैं ये कन्फ्यूजन कम्प्लीटली हटा देता हूँ। हिप फ्रैक्चर इन एनी एज, मतलब कि वो चाहे बच्चों में हो, यंग एडल्ट्स में हो, या एल्डरली सुपर एल्डरली मतलब कि 80-90 वाले पेशेंट्स में हो, हिप फ्रैक्चर्स में हमेशा और हमेशा सर्जरी ही होनी है। सर्जरी क्या होनी है उस पर डिसाइड करना है। क्यों सर्जरी होनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, अगर सर्जरी नहीं हुई, चाहे वो यंग या बच्चों में हो, हिप के फ्रैक्चर्स इतने प्रिकेरियस होते हैं, मतलब कि इतने गड़बड़ वाले होते हैं कि जुड़ते नहीं हैं। अगर वो जुड़ा नहीं तो हिप रिप्लेसमेंट में पहुँच जाएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी यंग पेशेंट में फटाफट करनी है। नाउ कमिंग टू एल्डरली पेशेंट, मतलब कि जिनकी एज 60-65 और 80-90 ईयर्स की है, इवन 100 ईयर्स की भी है, क्यों फ्रैक्चर के लिए सर्जरी ज़रूरी है? देखिए, फिक्सेशन सर्जरीज मतलब कि जोड़ने की सर्जरीज कुछ जगह पे हम लोग करते हैं, हर एज ग्रुप में भी, उन केसेस में जोड़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं वो चलना शुरू कर दें इमीडिएटली, मतलब कि आपका फ्रैक्चर हुआ और अगले दिन से आप चलना फिरना शुरू कर दें। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर नहीं होने वाले। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है? हिप फ्रैक्चर के बाद अगर आप बेड रिडन हो गए, चल नहीं पाएंगे, तो आपको मेड सोर्स लेने लग जाएंगे। ठीक है, मेड सोर्स को बचाने के लिए टर्न करना है, टर्न कर नहीं पाएंगे, वो पेन हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बेड पे ही लेटे रहेंगे तो आपको निमोनिया, चेस्ट में कॉम्प्लिकेशन, कफ जमा हो जाना, जिसके कारण बहुत सारे अलग कॉम्प्लिकेशन चेस्ट की शुरू हो जाएगी। जब आप चलेंगे नहीं तो आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा होने लगेगा, जिसके कारण डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब कि पैरों में क्लॉट बनेंगे, वो क्लॉट लंग्स में जाके अगेन लंग्स के एयर सर्कुलेशन को रोक देंगे। तो ये सारे कारण हैं जिनमें कि अगर हम सर्जरी ना करें तो इनमें चांसेस ऑफ कुछ भी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा है। एक स्टडी के हिसाब से ऐसा भी देखा गया है कि मॉर्टेलिटी रेट मतलब पेशेंट की जान को खतरा आफ्टर हिप फ्रैक्चर, सिर्फ फ्रैक्चर होने के कारण करीब करीब 30-40% है। मतलब कि 30-40% पेशेंट्स पहले 3 महीने में ही उनको उनके हिप फ्रैक्चर के कारण उनकी जान जा सकती है। बाकी 60% पेशेंट्स में ये सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे चेस्ट की कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्लॉटिंग की कॉम्प्लिकेशंस हो गई, या बेड सोर लगने के चांसेस होते हैं। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं जाने वाला जिनको बिना कॉम्प्लिकेशन के वो निकल जाए। सेकंड, वो चलना फिरना कभी भी नहीं कर पाएंगे। लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसी मतलब पैर बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा हो जाएगा, जिससे चलने में आगे भी दिक्कत आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को देख के ये चीज़ अब एक जनरल नोशन है कि अगर आपका हिप के अराउंड कोई भी फ्रैक्चर है, चाहे वो इंट्रा आर्टिकुलर मतलब हिप के जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हो या हिप के कैप्सूल के बाहर फ्रैक्चर हो, उनमें सर्जरी की ज़रूरत है। कौन सी सर्जरी करनी है मैं आपको एकदम सिंपल उसमें बताया था। अगर 60-65 के ऊपर है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब कि
कैप्सूल के बाहर की फ्रैक्चर है, हिप के कैप्सूल के बाहर फ्रैक्चर हुआ है, इंट्राटोकेंट्रिक फ्रैक्चर या सब टोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो होते हैं उनमें हम लोग एक नेल डाल के या DHS बोल के एक प्लेट डाल के इसकी सर्जरी करते हैं। जो भी सर्जन आपका है वो जो सर्जरी बताता है वो कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं जी हम प्लेट के साथ कंफर्टेबल है, तो हाँ हो सकता है उन्हीं के साथ चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम रॉड डालेंगे, रॉड से PFN या PFN के जो नए वर्जन से उनके साथ जाएंगे, प्रॉक्सिमल फ्यूवर नेल जिसे हम कहते हैं, तो हाँ ओके है। मगर उन्हें उनके कंफर्ट जोन के साथ यूज़ करने दीजिए। बहुत समय क्या होता है कि हम इंटरनेट सर्च करते हैं, बेस्ट आंसर ढूंढते हैं कि जी बेस्ट आंसर PFN है, और हम हमारे सर्जन को बोलते हैं जी हमें PFN करना है। अब हमारा सर्जन पुराने स्कूल का है जिसने DHS या प्लेटिंग से ही उसको फिक्स किया होता है, वो भी बहुत अच्छा इम्प्लांट था, वो फेल इसलिए नहीं, वो बंद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो ख़राब है, वो इसलिए क्योंकि अच्छे और अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं। सो आपका सर्जन जिससे कंफर्टेबल है उसी से करने दीजिए, ठीक है। बहुत समय पेशेंट नेट पड़ के, मैंने रूरल एरियाज़ में देखा है या Tier 2 सिटीज़ में देखा है कि वो कंसल्ट करते हैं किसी अपने जान पहचान के डॉक्टर को, जैसे दिल्ली मुंबई में फ़ोन करके कंसल्ट लिया, उन्होंने बोला कि हाँ जी इसमें ये नेल होने चाहिए। अब ये नेल वो उनसे करवाने के लिए कहते हैं जिसका हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। तो डॉक्टर या सर्जन पे प्रेशर ना डालें, उनको डिसाइड करने दीजिए कौन सा करें, प्लेटिंग करनी है प्लेटिंग भी वैलेंट सॉल्यूशन है और नेलिंग भी, दोनों में ही रिजल्ट अच्छे हैं अगर आपका सर्जन उसके साथ फुली अकस्टम्ड है, ठीक है। दोनों में ही पेशेंट को नेक्स्ट डे मतलब कि सर्जरी करके अगले दिन चला फिरा सकते हैं, एक में वजन डाल के चलने भी दे सकते हैं, एक में बिना वजन के चलने भी देंगे, ठीक है। सो ये माइनर से वेरिएशन है, बट मोबिलाइजेशन मतलब आउट ऑफ बेड मोबिलाइजेशन, पेशेंट को चलाना शुरू करने से बेड सोर के चांसेस कम हो जाएंगे, छाती में चेस्ट कॉम्प्लिकेशन के चांसेस, कफ जमा होने के, निमोनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे, एंड क्लॉटिंग के चांसेस ड्रास्टिकली लो हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप समझे और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है कैप्सूल के अंदर, मतलब हिप के इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर या नेक ऑफ फीवर फ्रैक्चर जिसे हम कहते हैं, उनमें क्या करना है। देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों का कि हमें कौन सा इम्प्लांट लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं एकदम आपका कन्फ्यूजन हटा देता हूँ कि अगर हमारा पेशेंट 60 एंड अबव है और उसकी डेली एक्टिविटीज़ मतलब कि वो अपने सारे काम खुद करता है, मार्केट जाता है, शॉपिंग खुद करता है, अपनी हर एक एक्टिविटी खुद कर रहा है, अगर 60 के ऊपर एज का पेशेंट है और कम्युनिटी मोबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, कम्युनिटी में सारे काम खुद कर सकता है, तो उनमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। टोटल मतलब कि एस्टेबलम कप मतलब जो ऊपर वाला रूफ है और एज वेल एज बॉल दोनों को बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस सर्जरी के बाद हो सकता है उनकी लाइफ 30-40 साल चले, तो हम ऐसा इम्प्लांट लगाएं जिससे उनको सर्जरी की दोबारा कभी नौबत ना आए, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमें हेमी या हाफ हिप सिर्फ बॉल बदलने से काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा बॉल बदलने से, जिनकी एज एक्सपेक्टेशन मतलब मुझे लगता है कि उनकी शायद लाइफ जो है वो 5-10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, जैसे कोई 90-95 ईयर्स के हैं जिनका ये नेक ऑफ फीवर फ्रैक्चर हुआ है और उनकी वैसे भी जनरल कंडीशन ख़राब थी, वो अपने घर की एक्टिविटीज़ जैसे बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, खाना उठ के जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना वो खा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट या हेमी हिप रिप्लेसमेंट सफिशिएंट है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन एकदम दूर कर दिया, जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, और जिसमें उनको अपने घर की एक्टिविटीज़ सिर्फ करनी है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे हमारे उनके मेडिकल इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें जिनसे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-10 साल के करीब है, तो सिर्फ आप हेमी हिप रिप्लेसमेंट या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करा दें, ठीक है। इम्प्लांट कौन सा लगाना है, अगेन आप अपने डॉक्टर के साथ बात करें, अच्छे इम्प्लांट्स भी अवेलेबल है, अनसीमेंटेड सीमेंटेड डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की बोन स्टॉक, अगर बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, बोन बहुत सॉफ्ट है नरम है तो हम उसके साथ सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये डिसीजन जो है आपको अपने सर्जन को ऑन टेबल लेने दीजिए, बोले कि आप अंदर जाके जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही आप डिसाइड करें। बहुत समय पेशेंट्स क्या होता है कि फोर्स करते हैं कि मैं फलाना सुन के आया या मेरे फलाना रिश्तेदार ने ऐसा बोला है यही करिए डॉक्टर साहब, तो अगर जब आप डॉक्टर के ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर डालने जाए, सोचे मैं अनसीमेंटेड के लिए गया हूँ अंदर अनसीमेंटेड ही करना है, आपने बोला अनसीमेंटेड करना है, पर हड्डी इतनी नरम है कि उसको बिना सीमेंट के मैं रोक नहीं सकता हूँ, इम्प्लांट जो है उस लूज बोन के अंदर, सोचिए खोखली हड्डी जैसे होती है जैसे दीमक खाई लकड़ी है, उसमें आपको पेच कसना है, अगर आप पेच के साथ साथ में सीमेंट डाल के पेच कस देंगे तो पेच कभी नहीं निकलेगा, मगर अगर आप उसमें बिना उसका मोटा पेज भी डाल देते हैं तब भी हो सकता है वो कुछ जरूर लूज आउट हो जाए। तो ये डिसीजन जो है डॉक्टर को ऑन टेबल लेने की ज़रूरत होती है, और इस पर मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगे वो ऑन टेबल करिए, क्योंकि मैंने बहुत समय ये देखा है कि पेशेंट ने फलाना किसी
डॉक्टर से बात की या उनके किसी रिश्तेदार से बात की और उन्होंने बोला कि नहीं जी सीमेंट बिल्कुल नहीं लगाना, सीमेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सीमेंट के कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए होने का तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मगर आप ये समझे कि आप अगर लिबर्टी नहीं देंगे तो आप खुद अपने हाथ से अपने पेशेंट के ख़राब करा दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन डिसीजंस को डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। और सर्जरी होनी है, हिप फ्रैक्चर में सर्जरी होनी है, आपकी एज जो मर्जी हो। बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं कि जैसे पेशेंट की एज 80, 90 या 95, 100 के करीब है और वो अपने बेड से जस्ट खड़े होके वॉशरूम जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं, क्या इनके इस एज में सर्जरी सक्सेसफुल होगी? जी सक्सेसफुल होगी, अगर आपके यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल है। अब बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि इन सर्जरीज में खतरा, सर्जरी में खतरा कितना है इनकी एल्डरली एज ग्रुप के कारण, क्या चांसेस है कि इनको जान को खतरा होगा ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यूरिंग एनेस्थेसिया? देखिए वो तो होने वाला है, नॉर्मल आदमी से 10% एक्स्ट्रा ही होगा, हाई रिस्क कंसेंट होगा, हाई रिस्क आएगा ही आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। मगर आप अगर इस कंसेंट में रहेगी, हाँ कंसर्न आपका ये रहेगी मैं बिना रिस्क के सर्जरी कराने वाला हूँ तो नहीं होने वाला है, और रिस्क है इसलिए मैं नहीं कराने वाला हूँ, तो रिस्क होने के कारण नहीं अगर कराएंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉर्टेलिटी रेट मतलब कि जान को खतरा ना करने से उससे भी ज़्यादा है, कि अगर आप पड़े रहेंगे बेड सोर्स विद इन 4-5 दिन बेड सोर्स बन गए, अब आप बेड सोर्स नहीं हील हो रहे हैं, बेड सोर्स के कारण इन्फेक्शन पेल्विस बोन तक चला जाता है, इवन उसके अंदर भी चला जाता है, छाती में कफ जमा हो जाने के कारण, क्योंकि आप उनको घुमा नहीं सकते, उठा के बैठा नहीं सकते, टर्न नहीं करा सकते, कफ जमा हो जाने लगता है जिससे निमोनिया होके अदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे, क्लॉट बन के छाती में क्लॉट अटक जाते हैं और उनसे 100% चांसेस है कि जान चली जाए। तो ऐसी चीज़ों के साथ आपके पास, मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआ है, मगर आपको डिसीजन उसी हिसाब से सोच के लेना है। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं मेरे को नहीं सर्जरी करानी है, तो आप ये समझे कि आपने उनके रिस्क फैक्टर्स दूसरी चीज़ों के बढ़ा दिए, और ये रिस्क फैक्टर बहुत समय जो है इस पर डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको एक या दो दिन के अंदर ही डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से कंफर्टेबल हो और उनके साथ खुल के बात करें, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी पेशेंट से खुल के बात करी हो और उसके बाद उनको समझ में ना आया हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की, इसलिए आपको आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें, ठीक है? इसके बाद भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स से रिलेटेड आपके सवाल या जवाब होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर, और अपने सवाल ज़रूर पूछें, मैं इनके आंसर ज़रूर करूँगा, मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके आपको कंफर्टेबल बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।